हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग है और ये शॉर्ट रीडिंग होती है। आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता है। सो आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करे। कोई मैसेज ज़बरदस्ती फिट नहीं करना। अगर आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती, हो सकता है कल की हो जाए। सो इसमें से आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी, ये एक कार्ड हम रख लेते हैं। सो वी हैव प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश परस्पेक्टिव। सो आई फील के आप लोगों के कनेक्शन में इस प्रेजेंट टाइम में ये एनर्जी स्पिरिट ने हाईलाइट की है। नंबर 15 है विच ब्रेक्स डाउन इनटू अ 6। सिक्स किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। आप लोगों में 6 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है, 6 साल किसी का कनेक्शन चला, या 6 मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो एनीवेज, कंपैशन की बहुत ज़रूरत है इस कनेक्शन में, बिकॉज आई फील कि आप दोनों एक दूसरे को जज कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। उसने ये कहा, क्यों कहा, वो ये कहेंगे कि उसने ये किया तो क्यों किया। बहुत ज़्यादा जजमेंटल होकर आप मत सोचिए अपनी सिचुएशन के बारे में। कंपैशन के थ्रू सोचिए, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें सिचुएशन को। आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये मैसेज आया है स्पिरिट की तरफ से, एंड सेम गोज़ फॉर योर पर्सन। ऐसा नहीं कि ये आपके लिए मैसेज आया है। अगर एंगर है, फियर है, पेन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ऑब्सेशन है, आई डोंट नो के मे बी आपके पर्सन हो सकते हैं ऑब्सेस्ड आपसे या आप उनसे हो सकते हैं, बट मैं किसी को ट्रिगर या हर्ट नहीं करना चाहती। सो आपने वैसे लेना है मैसेजेस को जैसे आपसे रेजोनेट करे। बट अगर इनमें से किसी भी एनर्जी में आप हैं, आपसे कहा जा रहा है रिलीज़ कर दीजिए और एक फ्रेश न्यू परस्पेक्टिव से सोचने की कोशिश करें सिचुएशन के बारे में। कंपैशन शो करें, प्रैक्टिस करें कंपैशन। ओह वाओ, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आ रही है। आपके पर्सन आपसे बात करने का सोच रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी लोनली। उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। उन्हें लगता है कि जब से आप गए हैं तब से वो दे आर आउट इन द कोल्ड, और उनको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है जो उनका एहसास करे। और ये कंपैशन की एनर्जी यहाँ पर इसलिए भी आई कि आप हमेशा बहुत, आपके अंदर एक वॉर्म्थ रही है, बट लास्ट टाइम जो आप लोगों के दरमियान हुआ, आपका एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट था उनके साथ और उसने उन्हें बहुत हर्ट किया। मे बी वो बहुत नेसेसरी था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने उन्हें कहा, जो डांटा या जो हेल्दी बाउंड्री सेट की, वो ज़रूरी था। और उसके बाद आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई। बट सक्सेस के चांसेस अभी भी हैं, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। बट वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने मिजाज में नरमी लेकर आएँ, कंपैशन लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी नज़र आ रही है। सक्सेस डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं वो। द टावर, अपसाइड डाउन है सब कुछ। जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हैं, तहस नहस हुआ हुआ है सब कुछ। डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि द टावर आपको पता है तहस नहस होता है। सो बट ये डिवाइन चेंज होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है, और ये आपके हाईएस्ट गुड में होती है। आपके पर्सन ने शायद चेंज नहीं होना था, और आपका वो जो रिएक्शन था जो आपने उनसे कहा, वो नेसेसरी था। वो उस सिचुएशन में ज़रूरी था आपका रिएक्ट करना, क्योंकि आपके पर्सन शायद आपको लाइट ले रहे थे, सीरियस नहीं थे कनेक्शन के बारे में, फ्लाइटी थे, जो भी था। आई फील कि आपका ये जो एक्शन था, ये बहुत नेसेसरी था, आपको करना था। और जब आपने ये एक्शन लिया और हेल्दी बाउंड्री सेट की, आपके पर्सन बहुत विद इन गए, और ये बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है, आपको पता है, द हर्मिट कार्ड। उन्हें लॉस्ट फील हुआ, उन्हें तकलीफ हुई जब आपने बाउंड्री सेट की, उन्हें आपकी इज्जत का, आपकी वर्थ का, आपकी वैल्यू का एहसास होने लगा। और अब वो यही सोच रहे हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन पर। बहुत पेशेंटली आपके साथ चलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी पेशेंट रहें और एक फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव से इस कनेक्शन को देखें। इसमें जो भी उनसे गलतियां हुई, वो उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एब्सोल्युटली आपके साथ सक्सेस चाहते हैं और कुछ नहीं। वो सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में। वो ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हैं। सो डेफिनेटली वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं।
आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, और वो यही सोच रहे हैं इस वक्त। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैवीली सोच रहे हैं आपके बारे में थ्रू आउट द डे। आपके बारे में वो सोचते रहते हैं और आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट अभी उनको लगता है कि थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अभी फ़ौरी तौर पर आकर आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि दे फील कि आप शायद अभी गुस्से में हैं। दे फील कि वो अपने अंदर जब ह्यूज ये चेंज लेकर आएंगे, जब इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे और एम्ब्रेस करेंगे विद द हर्मिट, रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी खामियों पर और अपने आप को हील करेंगे, फिर वो आपकी तरफ आएंगे। सो यही वो इस वक्त सोच रहे हैं। और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपको पसंद आया आपने मुझे ज़रूर बताना है। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लव यू लॉट्स, बाय बाय।